नमस्कार, मैं उपार और आज मैं आपको लेकर आया हूँ श्री रंगपट्टम। जी हाँ, श्री रंगपट्टम का नाम जब भी जहन में आता है तो इतिहास का एक सुनहरा पन्ना खुल जाता है। वो इतिहास जब एक शेर अंग्रेज़ों से लड़ा था। लोगों ने एक व्यक्ति की ताकत को देखा था और उसने साबित किया था कि अंग्रेज़ों को हराया जा सकता है। जी हाँ, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली ने साबित किया कि अंग्रेज़ों को हराया जा सकता है और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान और हैदर अली दोनों ने मिलकर यह साबित किया कि अंग्रेज़ों को हराया जा सकता है। 1782 में जब हैदर अली की मृत्यु होती है और उसका पुत्र टीपू सुल्तान राजा बनता है, उसके बाद टीपू ने भारत को बांधने के लिए अपने राज्य को बहुत ही व्यवस्थित एक नींव प्रदान किया। उसने अपने गाँव में कर की एक नई व्यवस्था और एक नई प्रणाली प्रारंभ की। कहा जाता है कि विश्व में पहली बार रॉकेट का प्रयोग भी टीपू के राज्यकाल में ही हुआ था। अंग्रेज उसके रॉकेट को देख करके एकदम अचंभित हो गए और ये प्रणाली देखकर वो एकदम भयावह स्थिति में आ गए थे। कहा जाता है कि 1799 में श्री रंगपट्टम के दरवाजे पर लड़ता हुआ टीपू मारा गया। उसके हाथों से अंग्रेज़ों ने तलवारें छीन ली, उसकी अंगुलियों से अंगूठियों को निकाल लिया गया और ले जा कर के वो लंदन के म्यूज़ियम में रख दिया गया। टीपू के अगर इतिहास के बारे में बात करें तो 1784 में ये जो पीछे मकबरा दिख रहा है, इसका निर्माण टीपू सुल्तान ने ही करवाया था अपने पिता हैदर अली के याद में। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद 1799 में उसको भी इसी मकबरे में दफना दिया गया। टीपू सुल्तान अपने यशस्वी पिता हैदर अली को श्रद्धांजलि देने के लिए उनकी मृत्यु के पश्चात 1782 से 1784 में एक मकबरा तथा एक मस्जिद बनवाई। यह गुंबद श्री रंगपट्टम के पूर्वी सिरे पर एक सुव्यवस्थित बगीचे के बीच में है। टीपू की माता फ्रक्र उन निशा और टीपू, इन दोनों की समाधियाँ हैदर की समाधि के पास बनाई गई। एक बड़े बगीचे के बीच निर्मित इस राजसी मकबरे में एक शानदार नक्कार खाना है जिसका मेहराबद्ध प्रवेश उत्तर में है। यह मकबरा एक ऊंचे चौकोर चबूतरे पर है जो सुरक्षित दूरी पर भुलाई में ईंट व चूने से निर्मित खान खाना और नुकीली में हराओं की श्रृंखला वाले खाली मूलाकार छत के ऊपर कक्षा के भीतरी भाग को बहुत सुंदर ढंग से चीटा पूर्वी प्रदेश के पास फारसी लेख वाली एक तरूती है जिसमें 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान शहीद होने का जिक्र है। बरामदे में और वेदी पर हैदर तथा टीपू के कुटुंब और अन्य लोगों के मकबरे स्थित हैं। जी हाँ, अगर आप आए हैं श्री रंगपट्टम घूमने के लिए तो टीपू का ये मकबरा देखना ना भूलिए, जिसे टीपू सुल्तान ने अपनी पिता की याद में 1782 से 1784 में निर्माण किया था। और इसी मकबरे में टीपू की पिता, टीपू की माँ और स्वयं टीपू को दफनाया गया है। इतिहास का ये पन्ना धुंधला होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम इतिहास से दूर होते जा रहे हैं, हम इतिहास से समझ खत्म करते जा रहे हैं, इसलिए हम इतिहास के उन पहलुओं को भूल रहे हैं। टीपू की शहादत भूल रहे हैं, हैदर अली की वीरता भूल रहे हैं, भारत में हुए उन सारे क्रूर तानाशाहों की तानाशाही भूल रहे हैं। तो जब भी आप श्री रंगपट्टम आइए तो टीपू के इस मकबरे पर जरूर आइए ताकि आपको इतिहास के कुछ पन्ने जरूर फिर से याद आए। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको आना होगा मैसूर। मैसूर से इस टीपू सुल्तान का मकबरा 20 किलोमीटर की दूरी पर है और यहीं पर 2 किलोमीटर की दूरी पर टीपू सुल्तान का महल भी स्थित है। तो जब भी आप मैसूर आइए तो मैसूर से श्री रंगपट्टम 20 किलोमीटर की दूरी पर ज़रूर आइए। और मैसूर आने के लिए आपको आना होगा बेंगलुरु। बेंगलुरु से 150 किलोमीटर दूर है मैसूर, या फिर कोयम्बटूर से आप आ सकते हैं, ऊटी से आप आ सकते हैं, इन सारे जगहों से आप श्री रंगपट्टम आ सकते हैं। श्री रंगपट्टम राजधानी थी कभी टीपू सुल्तान की, जहाँ से वो शासन किया करता था मैसूर पर। मैसूर कभी भारत का एक राज्य था, लेकिन 1773-1772 के लगभग इसे राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया और इसे मात्र एक शहर के रूप में बना दिया गया 1973-1972। ओके, ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए स्थान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।